गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीटीसी ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए अंशों का अनुपातिक आबंटन का अर्थ समझाने जा रहा हूँ। अनुपातिक आबंटन का मतलब होता है, इसको हम ऐसे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 10,000 अंश का निर्गमन करती है और अंशधारियों ने 12,000 अंश का आवेदन दिया, अर्थात कंपनी को 12,000 अंश का आवेदन प्राप्त हुआ, तो इस स्थिति में कंपनी यह निर्णय लेती है कि अंशों का अनुपातिक आवंटन करना है, अर्थात कुल 12,000 अंश के जो आवेदन आए हैं उनमें 10,000 अंश का ही आवंटन करना है। चूंकि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, कंपनी निर्गमित किए गए अंशों से अधिक अंश का आवंटन नहीं कर सकती है, निर्गमित किए गए अंशों की संख्या के बराबर अंश तक ही आवंटन कर सकती है। तो इस स्थिति में 12,000 का आवेदन आया, तो 12,000 के आवेदन में 10,000 का आवेदन कंपनी अलाउड करेगी, तो इसी को अनुपातिक आवंटन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आवेदन और आवंटन का अनुपात, जैसे 10,000 अंश का निर्गमन होगा, बारह हजार अंश का आवेदन प्राप्त हुआ, दस हजार अंश का निर्गमन हुआ, 12,000 अंश का आवेदन प्राप्त हुआ, तो इस स्थिति में अनुपातिक आवंटन का अर्थ अनुपातिक आवंटन का अर्थ हुआ 12,000 अंशों अंशधारियों को 10,000 अंश आवंटित किए गए, इसका अनुपातिक अर्थ हुआ 12,000 अंशधारियों को 10,000 अंश 10,000 अंश आवंटित किए गए, जिसका अनुपात हो जाएगा, इसी को हम अनुपात में लिखेंगे, 12,000 का आवेदन प्राप्त हुआ उसमें से 10,000 अंश को आवंटित किया गया, 12,000 आवेदकों को 10,000 अंश आवंटित किया गया, अर्थात 12:10 अर्थात 6:5। कहने का मतलब 6,000 अंशधारियों को 5 अंश, प्रत्येक 6 अंशधारी पर 5 अंश आवंटित किए जाएंगे, इसका अर्थ हुआ प्रत्येक 6 अंशधारियों पर 5 अंश आवंटित किए गए, यही अनुपातिक आवंटन हुआ, प्रत्येक 6 अंशधारियों पर 5 अंश का आवंटन करना, यही अनुपातिक आवंटन हुआ। और इस स्थिति में जितने अंशधारियों को आवंटित नहीं हुआ, जितने अंशधारी रिजेक्ट हो गए, उन अंशधारियों के अतिरिक्त पैसे को आने वाले आवंटन की याचना के साथ एडजस्ट किया जाएगा।
अनुपातिक आवंटन की स्थिति में तो अनुपातिक आवंटन की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन राशि को अतिरिक्त आवेदन राशि को आवंटन के साथ समायोजित करेंगे समायोजित किया जाता है। अनुपातिक आवंटन की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन राशि को, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक 6 अंशधारी में से 5 अंशधारी को अलॉट किया गया, 1 अंशधारी का जो पैसा आपका अतिरिक्त बच रहा है, 1 अंशधारी का अतिरिक्त आवेदन की राशि को आवंटन के साथ समायोजित किया जाता है, इसी को अनुपातिक आवंटन कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनुपातिक आवंटन को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।